रणवीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दतवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। हिमाचल प्रदेश के हजारों पीटी अनुबंध अध्यापकों ने नियमितकरण की मांग को लेकर शिमला में सचिवालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। पीटीआई अनुबंध अध्यापकों ने सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल अनुबंध पर सेवाएं देने के बावजूद भी प्रदेश सरकार उन्हें नियमित नहीं कर रही है। अध्यापकों ने सरकार से पूछा कि उनके साथ सरकार दोहरी भेदभाव की नीति क्यों अपना रही है। गौरतलब है कि पीटी शिक्षकों ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अनुबंध आधार पर सेवाएं देनी शुरू की है, लेकिन सरकार ने अध्यापकों को 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाएं देने के बाद भी नियमित नहीं किया है, जबकि ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अध्यापकों को नियमित करने के सरकार को आदेश दिए, लेकिन सरकार ने अभी तक पीटी अध्यापकों को नियमित नहीं किया है। आज ये रैली हमारी नियमितीकरण के लेकर की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पीटी शिक्षक वर्ष 2006-07 से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और लगातार 7 वर्ष की सेवाओं के पश्चात हमें अनुबंध में लिया गया था और हिमाचल प्रदेश में एक ही अनुबंध पॉलिसी है और उस नीति के तहत हमने वर्ष 2018 जनवरी में तीन वर्ष पूरे कर दिए थे और 3 वर्ष के बाद उस पॉलिसी में नियमितीकरण का प्रावधान है, परंतु हमारा नियमितीकरण आज तक नहीं हुआ और इस वर्ष हमने 4वां साल पूरा कर लिया है। तो हम आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि हम भी आपके नागरिक हैं और लंबे समय से आपकी शिक्षा की व्यवस्था को चला रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में जो अवार्ड मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी संख्या आपके सामने है, इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही साथ हमारे लगभग 1368 शिक्षक साथी किन्हीं कारणों से ब्रेक इन सर्विस उनका हो गया था, क्योंकि इस बीच में पूर्व सरकार के समय उन पर जाँच बिठाई गई थी और कोई उसके ट्रांसफर के द्वारा नियमित शिक्षक उनके जगह आ गए थे या रिक्रूटमेंट के द्वारा उनको बाहर किया गया, जिस वजह से उनकी सर्विसेज में गैप हो गया था, परंतु वो विलिंगली बाहर नहीं गए थे, अनविलिंगली उन्हें बाहर किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया है और उनकी सेवाओं को कंसिडर करने के आदेश दिए हैं। तो मैं चाहूँगा प्रदेश सरकार उनकी सेवाओं को कंसिडर करते हुए उनको भी उसी समय से अनुबंध में मानते हुए तत्काल प्रभाव से उनको भी नियमित करें। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।